नमः शिवाय, जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, शारदीय नवरात्र में माँ दुर्गा की पूजा आराधना में हैं हम सभी, और एक एक कर माँ के सभी नौ स्वरूपों की हम रोजाना पूजा कर रहे हैं। तो अब तक हमने माता चंद्रघंटा की तृतीय स्वरूप की पूजा कर ली। अब नवरात्र के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा आराधना हम करेंगे। लेकिन दोस्तों, साल 2021 में एक तिथि का क्षय हो रहा है, नवरात्रि 8 दिनों का है। तो ऐसे में नवरात्र के चौथे दिन ही चतुर्थी और पंचमी तिथि दोनों बीत रही है। तो इसीलिए इस बार हम माता कुष्मांडा के साथ साथ इसी दिन यानी कि 10 अक्टूबर को मां स्कंद माता की भी पूजा करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं दो छोटे छोटे सरल उपाय, जिसे आप नवरात्र के चौथे दिन, जिस दिन चतुर्थी और पंचमी साथ बीत रही है, आपको जरूर अपनाना चाहिए। दोस्तों, नवरात्र के चौथे दिन हम सभी जानते हैं माँ दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। माँ की पूजा बुद्धि और विवेक के लिए की जाती है। दोस्तों, ऐसा वर्णित है कि माँ कुष्मांडा की पूजा करने से सदैव परिवार में खुशहाली बनी रहती है। दोस्तों, माँ कुष्मांडा का स्वरूप माँ पार्वती की शादी के बाद का स्वरूप बताया गया है। तो उनकी पूजा से सौभाग्य की वृद्धि होती है, संतान की प्राप्ति होती है, साथ ही आपके सभी रुके हुए कार्यों में आपको सफलता हासिल होती है। तो माँ कुष्मांडा के लिए 10 अक्टूबर को आपको क्या उपाय करना है, ये आपको मैं बता दूं। पहले भी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, जिसमें माँ कुष्मांडा की संपूर्ण पूजन विधि मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। आपको यहां पर मैं बस छोटा सा एक उपाय बताती हूं दोस्तों, जो आपको इस दिन जरूर कर लेना है। माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाना बहुत ही शुभकारी माना गया है। माँ कुष्मांडा को आपको चतुर्थी तिथि में मालपुए का भोग लगाना चाहिए, और उसके साथ ही इन मालपुओं को आपको दान कर देना है। आप चाहें तो इन मालपुओं को आप कन्याओं को भोजन के रूप में करा सकते हैं। इस दिन अगर आप मालपुए का भोग किसी कारणवश नहीं लगा पाते हैं, तो आपको पीठे का भोग लगाना चाहिए। माता का जो कुष्मांडा नाम आया है दोस्तों, वो कुष्मांड कुम्भड़े को कहते हैं, यानी सफेद कद्दू जिससे पेठे बनते हैं, माँ को बहुत प्रिय हैं। तो इस दिन आप कुम्भड़े की बलि दें या माता को पेठा अर्पित करें, इससे भी देवी कुष्मांडा बहुत शीघ्र अपने भक्तों पर प्रसन्न हो। तो इनमें से जो भी कार्य आप कर सकते हैं, जरूर करें। अब बारी आती है कि इसी दिन हमें पूजा कर लेनी है माता स्कंद माता की। तो दोस्तों, वैसे तो पांचवे दिन हम पूजा करते हैं, लेकिन एक तिथि कम है, इसीलिए नव दुर्गा के पंचम स्वरूप स्कंद माता की पूजा आराधना भी हम 10 अक्टूबर को ही करेंगे। स्कंद माता का रूप भी सुखदायी और ममतामयी बताया गया है। दोस्तों, जिन भी लोगों की इच्छा संतान प्राप्ति की है, उन्हें स्कंद माता की विशेष पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। अगर आप व्रत कर रहे हैं विधि विधान से तब भी, और अगर आप नहीं व्रत कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो इस दिन माता की पूजा तो आप जरूर कीजिए। जैसा कि माँ का स्वरूप ही है, भगवान कार्तिकेय बाल रूप में उनके हाथों में है, तो ऐसे में दोस्तों संतान प्राप्ति की इच्छा के लिए स्कंद माता की पूजा निसंतान दंपतियों को जरूर करनी चाहिए। साथ ही अगर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनी हो, तो आप स्कंद माता की पूजा जरूर करें दोस्तों। दोस्तों, अब जो उपाय मैं बताने जा रही हूं, देखिए, इस दिन स्कंद माता की पूजा आराधना में हमें उन्हें केले का भोग अर्पित करना चाहिए। संतान प्राप्ति की इच्छा आप रखते हैं, तो आप माता को केले का भोग अर्पित करें दोस्तों। और जो दूसरा आपको कार्य करना है, इस दिन माता को केले के भोग के साथ साथ आप लाल अनार का भोग भी अर्पित करें। जिनकी पुत्र प्राप्ति की इच्छा होती है, ऐसा कहा जाता है कि इस दिन माता को लाल अनार अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही आपको छोटे छोटे बच्चों को आपको इस दिन भोजन कराना चाहिए। कोई खिलौने या उनकी कोई भी पसंद की वस्तुएं आपको देनी चाहिए, जिससे वो प्रसन्न हो। ऐसे करने से भी स्कंद माता प्रसन्न होती है, और संतान प्राप्ति में अगर किसी भी कारणवश देरी हो रही है, रुकावट है, बाधा है, ये दिक्कत दूर हो जाती है दोस्तों। तो ये दो छोटे छोटे सरल उपाय हैं, जो आपको नवरात्रि के चौथे दिन 10 अक्टूबर को इस बार जरूर कर लेने हैं। दोनों ही माताओं की पूजा इस दिन हम करेंगे विशेष, तो आप भी इनमें से कोई भी एक कार्य जरूर कर लें। पहले ही दोनों माताओं की संपूर्ण पूजा विधि आपके साथ मैंने शेयर की हुई है, उन वीडियोस को भी आप जरूर देखें। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई ये जानकारियां भी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। वीडियो अगर पसंद आए, तो आगे अपने दोस्त परिवार मित्रजनों तक जरूर शेयर करें। चैनल पर अगर नए आए हैं दोस्तों, तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी
जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।